हाय सर। हाय। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते। क्या नाम है आपका? जी मैम, मेरा नाम साउंड एंड एक्टर है। कहाँ से आए हो आप? मैं बहुत दूर से आया हूँ मैम, मैं क्या करूँ, मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ मैम, प्लीज मुझे मौका दीजिए मैम। अच्छा, आप क्या करते हैं? क्या करता हूँ क्या नहीं, मैं क्या बताऊँ मैम, मुझे बहुत शर्म आती है मैम मुझे बताने में। आप लोगों के बीच मैं जो आया हूँ, यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, आप लोग बैठे हुए हैं, मुझे बहुत शर्म आ रही है मैम। लेकिन जब आप लोग पूछ रहे हैं तो मुझे बताना पड़ेगा, मजबूरी में मुझे बताना पड़ेगा मैम। सबसे पहले है कि मैं एक छोटा सा गांव का रहने वाला हूँ, मैं एक बहुत गरीब घर के हूँ और मेरी माँ बकरी चराती है और मैं भी बकरी चराया करता था। एक दिन की बात है कि मेरी माँ बकरी चराया करती थी और मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैंने एक रोज़ बोला, माँ तुम बकरी मत चराओ, मुझे चराने दो बकरी। तो मैंने बकरी चराना शुरू कर दिया और चराता था बकरी, और कभी कभी मेरी माँ भी बकरी चराया करती थी। और एक दिन की बात है कि एक आदमी आया और बहुत बहुत अच्छे आदमी थे। वो बोला, अरे भाई तुम इतने अच्छे, तुम गाना गाते हो, क्यों नहीं इंडियन आइडियल में एक बार ट्राई कर लेते हो। तो मैंने उस वक्त इंडियन आइडियल के बारे में कुछ नहीं जानता था, वो मुझे लगा कि यह आदमी मुझसे मजाक कर रहा है। आप लोग जान ही रहे हैं मैम, गाँव समाज में जब कोई आदमी कलाकारी क्षेत्र में जाएगा तो लोग उसे बहुत कमेंट करते हैं, बहुत हंसते हैं, कहते हैं कि यह एक पागल आदमी है। तो मैंने सोचा कि यह मुझे उल्लू बना रहा है, मुझे पागल बना रहा है। लेकिन मैं गांव के रहने वाला हूं, लेकिन वो बोला एक बार और, अरे भाई तुम बहुत अच्छे गाते हो, क्यों नहीं तुम इंडियन आइडल में एक बार जाकर ट्राई करता है, ऑडिशन जाकर दो, सीजन 2014 चल रहा है। तो मैंने इस चीज़ को फिर परखा, समझा, तो बहुत अच्छा लगा मैम। तो मैं आप लोगों के बीच ऑडिशन देने आया हूँ और मैं मुंबई सीधे आया, और यहाँ पर जब मैं मुंबई आया तो मुझे सब आदमी एक ही शक्ल में नज़र आने लगा, क्योंकि मैं एक गांव के रहने वाला हूँ और मुंबई इतना बड़ा शहर है। जब मैंने कुछ नहीं बुझाया तो मैंने कुछ काम धंधा करने के लिए सोचने लगा, और माँ बोलती थी, बेटे तुम कैसे हो। मैं तो काम करता था और फिर भी मैं अपनी माँ का बोलता था कि माँ मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ और बहुत अच्छे से रह रहा हूँ मैम, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। और मैं जब आया तो मेरी माँ के लिए मैं एक आप लोगों के बीच गाना गाऊंगा जो मेरी माँ सुन रही होगी तो बहुत अच्छा लगेगा सर। यही बात है कि मैं आप लोगों के बीच आ गया हूँ, प्लीज़ मुझे एक बार मौका दीजिए, और भाई लोग आप लोग मुझे वीडियो को शेयर कीजिए, एक एक व्यूज मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जो कर रही हो वो मेहनत का काम है, वो ईमानदारी का काम है, वो सच्चाई का काम है, वो कला का काम है। आपको देख के मुझे लगता है कि काश मुझ में ऐसी हिम्मत होती। मेरे दिल से ये दुआ है कि आपको इस स्थिति में कभी फिर से होना ना पड़े। देखिए, एक बात तो आपको ये बात हमें बतानी पड़ेगी, और वो दिन दूर नहीं है कि लोगों का नजरिया आपके लिए बदल जाएगा, और एक सुपरस्टार के रूप में आपको दुनिया जरूर देखेगी, बिकॉज इंडियन आइडल ने आपको वो मंच दिया। आपका जो सपना है, अगर आप सच्ची मन से देते हैं वो सपना, और आप उतने काबिल हैं वो सपना देखने के, तो डेफिनेटली हम आपको आगे लेके जाएंगे, ये पक्का वादा है, अगर आप डिजर्व करते हैं तो। क्या गाना गाने वाले हैं? मैं जो गाना गाने जा रहा हूँ सर, बहुत दर्द भरी गाना है सर। आज ये जो गाना सुनेंगे वो भी रो पड़ेंगे सर, आप लोग भी इस गाने को सुनकर सर रो पड़िएगा सर, पूरे देश रो पड़ेगा सर। प्लीज़ सर, मेरे वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा सर, पूरे हिंदुस्तान रोएगा सर। ब्यूटीफुल सॉन्ग, चलिए जरूर सुनते हैं। ओके सर, कम ऑन ब्रदर, गुड लक। कि तूने जो कमाया, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो
दूसरा ही खाया। और क्या बोलू बाबू, खाली हाथ आया मैं तो खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया मैं तो खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही पाएगा। खाली हाथ आया है तो खाली हाथ आया है तो खाली हाथ जाए। जब तलक ये सांसें तब तलक ये रिश्ता है, जब तलक ये सांसें तब तलक ये रिश्ता है, जब तलक ये सांसें तब तलक ये रिश्ता है। क्यों जब तक सांस है तभी तक रिश्ता है, सांस खत्म तो घर से उठाकर शमशान में जलाया जाता है। इसी अयोध्या धाम में अपने शरीर को मिट्टी के साथ साथ आग में गंगा जी के सहारे प्रवाहित किया जाता है। इसीलिए कहते हैं जब तलक ये सांसे तब तलक ये रिश्ता है, जब तलक ये सांसे तब तलक जानते हैं कि कब है कब नहीं कोई नहीं जानता है। और कहना है बस एक ही चीज कहेंगे, जब तलक ये सांसे तब तलक ये रिश्ता है, जब तलक ये सांसे तब तलक ये रिश्ता है। छूट जाएगा सांस, छूट जाएगा सांस, छूट जाएगा रिश्ता, छूट जाएगा सांस, छूट जाएगा रिश्ता, छूट जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है तू, खाली हाथ आया तू, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है तू, खाली हाथ जाएगा। सभी लोगों से बना के क्यों बिगाड़ा रे, लड़ाई करते हैं उनके लिए बस एक ही चीज कहेंगे, जो लोग एक दूसरे को दुश्मन समझते हैं, दोस्त न समझते हैं, तो एक बात हमारी याद रखिएगा कि अगर हम दोस्त नहीं बना सकते तो दुश्मन बनाने का भी मुझे कोई भी नहीं है।
है ना रुपेश भैया, कहेंगे बस एक ही बात आप लोगों से। रुपेश भैया कुछ बोलेंगे आप? एक ही बात कहेंगे जी, आइए कि जमीन पे आए हैं जमीन पे देख लेते हैं, वाह वाह कि जमीन पे आए हैं जमीन पे देख लेते हैं, चलो हम भी आज बुलंदी से उतर कर देख लेते हैं, कि जमीन पे आए हैं जमीन पे देख लेते हैं, चलो हम भी आज बुलंदी से उतर कर देख लेते हैं। अरे जो कहते थे कि तुम पर और तुम्हारे लिए जान दे देंगे, चलो हम उन दोस्तों को आज मांगा देख लेंगे। आज की दुनिया रुपेश भैया बहुत अलग हो चुकी है। घर में जब पत्नी आती है तो माता पिता को लाठी चार्ज होना शुरू हो जाता है। बस एक लड़की एक घर को अगर चाहे तो संवार सकती है, चाहे तो बर्बाद कर सकती है। इसलिए कभी भी अपने माता पिता का दिल न दुखाइए, कभी अपने चाहने वालों को न सताइए। जिसे अपने माता पिता से तनिक भी प्यार नहीं है जी, 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 जिन्हें अपने माता पिता से तनिक भी प्यार नहीं है, नहीं है, उन्हें इस दुनिया में जीने का अधिकार नहीं। क्या बात है, जियो मेरे भाई। तूने सबके जख्मों पर रखा हर समय बात मरने के तुझको, बात मरने के तुझको कोई रख न पाएगा, बात मरने के तुझको कोई रख न पाएगा। तूने जो कमाया, तूने जो कमाया, तूने जो कमाया है वो तूने सबके जख्मों पर हर समय बाद मरने के तुझको, बाद मरने के तुझको। क्योंकि बस एक ही चीज कहेंगे कि बाद मरने के तुझको, बाद मरने के तुझको पैसा न लेके जाएंगे, बाद मरने के तुझको पैसा न लेके जाएगा। सभी लोगों से जितने लोग आज जागरण मंडली में उपस्थित हुए अयोध्या धाम की धरती पर, उन सभी से बस एक ही बात कहेंगे हम, छोड़ेंगे न हम तेरा साथ को साथी मरते दम तक, छोड़ेंगे न हम तेरा साथ को साथी मरते दम तक। चौकों में आएंगे, चौकों में कहेंगे जितने लोग हैं जो अपने माता पिता से प्यार करते हैं, भगवान ईश्वर से प्यार करते हैं, अपनी जिंदगी को माता पिता भगवान गंगा मैया के प्रति समर्पित कर चुके हैं, वो लोग जहाँ जहाँ जो बैठे हैं अपने अपने मुंह से केवल एक ही चीज बोलना है, राम राम बोलो राम। क्योंकि अंतिम यात्रा में भी राम नाम सत्य होता है। इसलिए बस एक ही बात कहना है सभी लोगों से जिनको जिनको भगवान ने सुंदर सुंदर मुख दिए, कहना है राम राम बोलो राम राम बोलो राम राम बोलो राम 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 बोलो राम।
यही ले के जाएगा। आप सब लोग कि यही साथ लाया था तू, राम राम सत्य है सबको यही कहते हैं यही ले के जाएगा। अगर अच्छा लगा हो भजन तो जोरदार ताली भरा आशीर्वाद आप सभी से चाहेंगे। वाह क्या बात है, मैया के भक्त हैं, मैया के भक्त। ये संगीत कहाँ सीखा, कैसे सीखा, कौन सी गलियों में, क्या तुम्हारी आवाज में प्यूरिटी है, क्या सादगी है, क्या मासूमियत है, कुछ ऐसी झलकी है तुम्हारी आवाज में जो इस हिंदुस्तान को हिला देंगी। और मैं, मेरा दावा है कौन इंडियन आइडल बनेगा पता नहीं, लेकिन इंडियन आइडल 11 तो बन चुका है तुम्हारी आवाज। इसका मतलब पता है क्या है? सनी तुम थिएटर राउंड में आ रहे हो। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द